अभी तक हल क्यों नहीं किया गया? लेकिन भाई वे जाम करना एक उसे चीज का सलूशन नहीं है। जेडी भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो सीधा साहब एडमिनिस्ट्रेशन आपको था भैया तो सुनने गल को। बाकी रही गल हाईवे जाम करने दी, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर सकता ना मैं अलाउ कर सकता। मैं को बैठने देखो मैं जाओ ना जाओ वहां पे हट के वहां जाओ आपके सत्य कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। नमस्कार मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट समाचार। इस वक्त मैं रियासी के पौनी तहसील के बामला इलाके में हूं। आपको बताएं कि यहां पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। गाय गोत्री इलाका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि आखिर ये सड़क जाम करने का कारण क्या है। प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है कि कौन सी ऐसी इनको जो है आन पड़ी है कि यहां पर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। और सीधी बात करते हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कौन सी मांग है आपकी जिसको लेकर आज आपने यहाँ पर सड़क जाम कर रहे हैं। हमारी मांग इस रोड की है कि 2018 8 दिसंबर को यहाँ पे टेंडर हुआ था और एग्रीमेंट था इनका 18 महीने का और 2018 8 के आगे हिसाब कर लो कि अभी कितने महीने हो चुके हैं। ठीक है, इनका जो 1.5 करोड़ रुपया वहां पे लग चुका है, जो नालियां पुली बनी है, मेरे को नहीं लगता कि उसकी पानी पाइपों के अंदर जाता, पानी ऊपर से जाता है। ये लोग जब बीमार होते हैं गांव के, हम पहले नंबर गांव में 4 बंदे इकट्ठे नहीं होते, 4 बंदे उठा के मंजी में उनको एक जंक्शन लगवाने के लिए 30 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। 30 किलोमीटर जाने के बाद उसको जंक्शन लगेगा और उसको इतनी तब हमारी कई हमारे भाई बंधु जो उनकी डेथ हो चुकी है कि उनको हॉस्पिटल की नहीं पहुंच पाए। किसके तहत ये सड़क बनाया जा रहा? ये PWD का है, PWD निवार का पैसा था और एडमिनिस्ट्रेशन सभी तो सभी नजालिक है। मेरे को इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की मिली बगता है या क्या चीज है। कितना पैसा लग गया आपको क्या नॉलेज है? इसका 2.5 करोड़ रुपए का मतलब 2.5 करोड़ रुपए था सेक्शन था, 1 करोड़ 43 लाख का लार्जमेंट थी, तो अभी एक पैसा नहीं आया और हम रोड तब ही खोलेंगे। कब से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन में सर कम से कम मेमोरेंडम में इनको 4 बार दे चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैं मेमोरेंडम देता था तो एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन मेरे पास आ जाती थी और हमारा भी हक है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी सुननी है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आती थी तो पब्लिक को शांत करके बैठा देते थे और एडमिनिस्ट्रेशन बोलती थी महीने के बाद आपका रिटेंडर किया जाएगा, तो हम पब्लिक को बोलते थे कोई बात नहीं, जब इतना हमें सह लिया तो 1 महीना और सहेंगे। 1 महीना सहने के बाद हम 3-4 महीने पब्लिक को आजकल बताते थे अभी ये हो गया वो हो गया, उसके बाद 3-4 महीने जब हमारे ठंडे बस्ते में डाल देते एडमिनिस्ट्रेशन बोलती कि ये चुपचाप बैठ गए हैं, इनका हम कोई हल नहीं निकाले। अगर आपकी सड़क बन जाती है कितने लोगों को जो है फायदा होगा? ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ इस मीडिया को, मीडिया के ये एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन आंखें खोले और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बैठ के बात करे, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी को शूट करता है ये रोड, डब से रियाला तक रोड बन चुका है और रियाला से ये वाला 2-4 किलोमीटर रोड अगर बना दे एडमिनिस्ट्रेशन तो 30 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है पौनी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट रियासी को। मान लिया कि जहां टूरिज्म चलता है, मान लिया कि एक्सीडेंट हो जाता है उसको रेफर जम्मू किया जाता है, अगर 40 किलोमीटर अगर छार पड़ता है तो समझ लो कि उसकी जान बच सकती है ना। मतलब कि इस पब्लिक को तो ही फायदा है ही है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा है। कितने लोगों को ये फायदा होगा कि सड़क बन जाती है? ये हजारों लोगों को फायदा है, हजारों लोगों। हमारी मांग बड़ी पुरानी है, ये 2018 की चल रही है, जैसा कि आप सबने सुनाया भी है, और हमने प्रदर्शन एक बार थोड़ी किया है, 3-4 बार किया है, प्रदर्शन भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे आती भी हैं, डिपार्टमेंट वाले भी आते हैं, PWD वाले बस आश्वासन दे के चले जाते हैं कि बस अब काम हो जाएगा, अब इतने महीने के बाद बस काम लगने वाला है। तो हम शरीफ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, तो हम चुप हो जाते हैं, लगेगा अपने आप डिपार्टमेंट लगा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन लगा देगी काम, लेकिन 6 महीने के बाद हमें फिर जागते हैं जब प्रॉब्लम आती है, तो काम छम कोई नहीं लगा है। पैसा इसका पड़ा हुआ है, नबार्ड का पैसा था वो 2 करोड़ कुछ था, तो ऐसे टेम्परेरी वो कर भी जाते हैं, थोड़ा सा रिपेयर कर जाते हैं, थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं तो पैदल चलने के काबिल बना देते हैं, लेकिन जो रोड का सही काम है सेंक्शन हुआ है वो काम हुआ नहीं है। तो सर जी आप जनता देख रहे हैं, कितनी जनता है, 2 गांव कहाँ पड़ते हैं, पूरी डुड़वा पंचायत है, तो बीच में से शहर तो यही रास्ता पड़ता है हमें, उधर से हमें 30 किलोमीटर का अलग से डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो अगर ठीक से बन जाए तो हमें जो शहर है जम्मू, हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं।
आज तो नहीं पहुंचा, पहले उन्हें हमें मौके पे बुलाया भी था, उन्हें पूरी सिचुएशन इस रोड ये दिखाया था उन्हें, तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने डीपीआर पता नहीं क्या कुछ बना दिए हो जाएगा काम, लेकिन आज तक हुआ नहीं है, पहुंची नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जे थोड़ा हमें रिटर्न में दे देंगे, कब हमें निश्चित दिन बता दें, अब बस कोई और ऑप्शन अब बचता नहीं है कि रोड जाम करने के सिवाय। हाँ वो उन्होंने रिटर्न वो भी नहीं ना दे रहे हैं, वो भी डीसी मैम से बात कर रहे हैं कि वो बना दिया है अप्रूवल 5 करोड़ का पता नहीं कितने का बनाया हुआ है, तो वो काम चल रहा है, बात चल रही है। तो हम चौथी पांचवी बार इस जलसे में आए हुए हैं इन बातों में, अब क्या चाहते हैं? अब जनता नहीं आएगी, हम तो मैं तो आ जाऊंगी, मैं अकेली हूँ भाई, आ जाऊंगी, लेकिन मैं पब्लिक की आवाज हूँ, मैं कैसे उन सब लोगों को पीछे करूंगी, नहीं रहने दो, क्या जवाब दूं उन्हें? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि चलो भाई अब डीसी मैम के पास खुद चलते हैं, अगर उनको आना चाहिए था मौके पे, उनको आना चाहिए था, अगर नहीं आए तो हम उनके चलते हैं उधर बैठते हैं जाकर, हम बार बार यही करेंगे, हम ये रोड करेंगे, जाम ही करते रहेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कि गरीब लोग हैं, किराया खर्च के कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास भी इतनी नहीं है कि हम इनको कहीं रोज गाड़ियाँ भर भर के कहीं लेते जाएं। हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे प्रदर्शन किया हमने, तो फिर अधिकारी कोई पहुंचा? कोई तहसीलदार साहब पहुंचे हैं और कोई नहीं पहुंचा। हमें तो ऑफिस जाने दो ना, हम तो यहाँ फंस गए ना, हमने भी तो वापस जम्मू जाना है, फिर हमें कब गाड़ी मिलेगी तो हम जाएंगे? आपकी इनकी मांगे कोई पूरी हो रही है? मुझे बताओ, हम जम्मू से आए हैं, मैंने ऑफिस जाना है सुंदरवनी, आपके यहाँ बैठे हुए कोई मांग पूरी हुई है? मुझे बताओ ना कौन आया है, वो SHO सर आए आपको निकाल रहे हैं, फिर आप बैठ गए, दूसरे बंदा कोई बीमार होगा पीछे फिर उसकी क्या प्रॉब्लम होगी? जो इस गांव के लोग 10 साल से बीमार हो रहे हैं, 4 पहियों में उठा उठा के ले जाते हैं। मेरा नाम साहिल है, अस पंचायत गड़ोआ दे रौह्ने वाले हाँ। अज जिहड़ा असें मसला यह हा कि पहले मैं बड़ा हाईलाइट मसला हा कि जिहड़े गोदर इधर पंचायत गड़ोआ दे गोदर ग्रां दे जिहड़े लोग है उन्हें रोड की बड़ी प्रॉब्लम ही, क्योंकि बिच बजुर्ग लोग भी हैं, तो दिखी सकते कैमरा घुमाइए किन्ने एक बजुर्ग वह बेचारा बैठे थे कि जिहड़ा कोई बीमार हो जाता इन्हें खट्टे पर लटाइए तो फिर लेना पौंदा हॉस्पिटल जा के, अगर तुसें साढ़े हॉस्पिटल का भी पता गया पौनी जिहड़ी हस्पताल की हालत है, ते असें इयै ही भाई ये जिहड़ा असें जरा फेर पौंदा भांबले बिच आनी है फिर लोकें इधर जाना पौंदा कि कनैक्टिविटी दी जा, इक्कै पंचायत है लेकिन उहदे 2 फाड़ होई दे कि कनैक्टिविटी दी जा, गड़ोआ पंचायत जिहड़ी इक्की पंचायत है बिचा कनैक्टिविटी दी जा ते रोड दा काम दिता जा, क्योंकि जिहड़े बच्चे ने बजुर्ग न उन्हें सहूलत होई सकै, विभाग धोड़ी तो दिखा है रोड पुजीए मता चंडी मता धोड़ी रोड पुजीए, लेकिन हाली धोड़ी यह नैशनल हाईवे है, इहदे कन्ने लगदा है ग्रां इत्थे नहीं रोड पुजा, ते डेवलपमेंट कुत्थे है, बैक टू विलेज हर वारी अफसर भेजदे न लेकिन मैं समझ नहीं आता 4 बैक टू विलेज प्रोग्राम होइए हाली धोड़ी इत्थे रोड नहीं पुजिया। कितने घंटे आपने प्रदर्शन किया यहाँ पर? देखो सवा दो घंटे का प्रदर्शन हो जेड़ा प्रशासन की तरफ से कौन आया? प्रशासन की तरफ से जो है तहसीलदार साहब आए थे, हमने उनको अगर ये तहसीलदार साहब थोड़ी जल्दी आ जाते तो इतना मसला बनना ही नहीं था, तहसीलदार को हमने पहले ही बोला था कि आप जल्दी आ जाएं, अगर जल्दी आ जाते वो आश्वासन दे देते, जनता ने अपनी जो है साइड हो जाना था, हमने कहा कि आप अपने आगे मैसेज फॉरवर्ड करो कि लोग ऐसे मांग कर रहे हैं, हमने कहा कि आप रिटर्न में एक जो है लिख के दे दो, हमें इतने दिन का टाइम दे दो। तो क्या अब आपने प्रदर्शन हटा दिया, क्या आश्वासन? देखो प्रदर्शन अभी हटा नहीं है, इन्होंने अब बोला है कि इन्होंने डीसी मैम से बात की थी, उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया, ये सारी जो डेपुटेशन है जितने भी बंदे ये प्रोटेस्टर हैं ये जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे डीसी मैम से मीट करने के लिए, अगर डीसी मैम हमारे हक में फैसला लेती है हमारे लोगों के लिए तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन अगर डीसी मैम हमारा साथ नहीं देती है, जहाँ ऐसा कोई आश्वासन या रिटर्न में नहीं देती है, तो क्योंकि इस प्रोटेस्ट को उठाने वाला इस टाइम पे जो मेन बंदे हैं वो है तहसीलदार पूरी, हमें ना डीसी मीडिएटर है इस टाइम पे, ना SHO साहब मीडिएटर है, मीडिएटर है इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कराने वाला तहसीलदार साहब, हमने उनसे बात कर ली है कि कल अगर आश्वासन आपका फेल हो गया तो हम आपका जो तहसीलदार ऑफिस है पूनी में हम उधर गिराव करेंगे, उधर बैठ जाएंगे। 1947 में हमारा जम्मू कश्मीर आजाद हुआ था और हमारा हाईवे से 3 किलोमीटर रोड अंदर था और आज की डेट हाईवे उठाकर 4 लेन बना, हम उस डेवलपमेंट के लिए हम पूरा साथ देने के तैयार हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी जरूरत थी कि जब इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी, और हमारा 2018 8 दिसंबर को 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था और 2023 आ चुका है वहां पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का यही रहता है कि री टेंडर, अब री टेंडर सुन सुन के लोग थक गए हैं, अब लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे 3 किलोमीटर दूर से आते हैं और कुछ लोग बीमार होने के बाद रास्ते में ही उनकी जान चले जाती है, और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर 2.5 करोड़ रुपया जहाँ पे आया सरकार ने दिया, और 80 डिस्ट्रिक्ट
और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ये 2.5 करोड़ रुपया दबा के क्यों रुका, ये पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचा? हम इसके खिलाफ, इसके प्रदर्शन और इसके मनोरंजन, और पहले मनोरंजन दिए थे, डीसी मैडम मौके पे आई, मौका देखा, उसके बाद कोई हल नहीं निकला। उसके बाद मनोरंजन दिया, तहसीलदार साहब मौके पे आए, हमें हर इनका जितना भी आश्वासन दिया उस पे अपील हो गए, आश्वासन इस पे आश्वासन मिला। अगर 10 दिन दिए एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें 3 महीने चुप रहे। आज बहुत टाइम आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं सुन रहे, आज हम इस रोड पे जान और कुर्बान देने के लिए तैयार है। पब्लिक दुखी रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सुखी नहीं रहेगी, अगर पब्लिक दुखी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी दुखी रहेगी, इसका नतीजा यही है। ठीक है, अगर नहीं हमारी कानों में सुन जाती है तो हमें कोई डर नहीं है, कहां भी FIR लगाओ, कहां भी हमें लेके जाओ, मैं पब्लिक के साथ हूँ और पब्लिक के साथ रहूंगा। इनका जो ये रोड का इशू है, ये शुभाटंगा टू गोदर जागीर, ये लगभग 3.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले भी इनका काम हुआ था, फर्स्ट फेज में 2.5 करोड़ का काम था, लेकिन वो इनसफिशेंट अमाउंट थी, और उसके बाद अब इनका रिवाइज DPR है, जो AW साहब ने हमें बताया कि वो 5.08 करोड़ रुपए का है, जो वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुंच गया है DC मैम की रिकमेंडेशन पे। तो अब ये लगभग फाइनल स्टेज पे है, गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होना है इस पे। तो हमने पहले भी इनको ब्रीफ किया हुआ है कि ये जो है ये प्रदर्शन जो है इससे काम नहीं चल रहे हैं, और इनका काम ऑलरेडी है जो वो DC मैम ने प्रायोरिटी पे जो है टेकअप किया हुआ है, वो हमारे भी नोटिस में है। अभी तक जो इनका जो है जो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रिटर्न में, तो DC मैम ने इनको टाइम दिया है, तो ये वहाँ पे जा रहे हैं डेपुटेशन की फॉर्म में। यही वो सड़क है जिसको लेकर प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं। साफ तौर से यही कहना था कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर से यही कहना है जब यहाँ पर बारिश हो जाती है ना, इधर चलना होता है, जहाँ जो स्कूली बच्चे या फिर महिलाएं जब बीमार हो जाती हैं तो इधर से आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है, बाहर तो चलना तो मुश्किल हो ही जाता है। अब लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि प्रदर्शनकारी क्या डिमांड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर से यही मांग की जब तक जिला प्रशासन यहां तक नहीं पहुंचता, मतलब उन्होंने DC रियासी की मांग की गई थी कि जब तक यहां पर DC रियासी यहां पर नहीं पहुंचते तब तक ये प्रदर्शन को हटाया नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से ये भी कहा गया जब तक हमें रिटर्न में लिखकर नहीं दिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2 घंटे से नेशनल हाईवे जम्मू व राजौरी वाला बंद कर दिया गया था, उसको खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारियों का साफ तौर से कहना है कि हमारे गांव में तो विकास हुआ ही नहीं है, विकास का मतलब यही है जब तक सड़क नहीं बनेगी तो विकास नहीं होगा। अब क्या इन प्रदर्शनकारियों की मांग कौन पूरी करेगा? 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर तहसीलदार तो आए थे, यहाँ पर बात खत्म करने का प्रयास किया गया, समझाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए साफ तौर से यही कहा कि जब तक रिटर्न में नहीं देंगे तब तक जो है यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, या फिर DC रियासी जब तक यहाँ नहीं पहुंचते तब तक ये प्रदर्शन जो है लगातार जारी रहेगा, और जब तक DC रियासी आकर यहाँ तक यहाँ प्रदर्शनकारियों को यहाँ के लिए यहाँ सुलझा नहीं देते, इस मसले को सुलझा नहीं देते, या फिर कोई रिटर्न में जो है नहीं आता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि प्रदर्शन क्या कब हटेगा और इन लोगों की जो प्रदर्शनकारियों की मांग कब पूरी होगी।